रात के समय आसमान की काली चादर में हम जिन टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, वास्तव में हम उन तारों द्वारा छोड़ा गया हजारों वर्ष पुराना प्रकाश देखते हैं। या हो सकता है अंतरिक्ष में अभी हम जो तारे देख रहे हैं, वे तारे हजारों वर्ष पहले उस जगह से विस्थापित हो गए हों या मरकर गायब हो गए हों। इन तारों में कुछ तारे हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े और चमकीले तो कुछ बहुत छोटे हैं। आखिर कैसी है इन अनगिनत टिमटिमाते हुए तारों की रहस्यमयी दुनिया, इस वीडियो में महान खगोल वैज्ञानिकों के प्रायोगिक तर्क और सिद्धांतों के आधार पर तारों के इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि कोई भी तारा हमारी पृथ्वी या सूर्य से कितनी दूर स्थित है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सूर्य भी अंतरिक्ष में उपस्थित इन झिलमिलाते हुए तारों में से एक है। फर्क बस इतना है कि सूर्य हमारे सबसे नजदीक है, जिससे यह काफी बड़ा और अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है, लेकिन यह टिमटिमाते हुए तारे हमसे इतनी अधिक दूरी पर हैं कि हमें बहुत से तारे दिखाई ही नहीं देते या फिर आसमान में किसी जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आखिर तारे क्या हैं? आइए इसे जानते हैं। तारा या स्टार गैस का कोई विशालकाय आकाशीय पिंड है, जो अपनी आंतरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विकिरण से चमकता है। ऊर्जा के ये स्रोत हाइड्रोजन गैस के असीमित भंडार हैं, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम और ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले हम इन तारों के बारे में नहीं जानते थे कि यह हमसे कितनी दूर और इनकी क्या प्रकृति है। वर्ष 1938 में एक जर्मन खगोलविद फ्रेडरिक विलहेम वेसेन ने पहली बार तारकीय लवण विधि या मेथड ऑफ पैरालैक्स द्वारा सूर्य या पृथ्वी से दूसरे तारों के बीच दूरी के लिए पहला विश्वसनीय मान या वैल्यू निर्धारित की थी। साधारणतः लंबन विधि की बात करें तो हमने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के गणित में इससे जरूर पढ़ा होगा। इस विधि द्वारा किसी वस्तु की दूरी का पता हम सरलता से लगा सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें इस चित्र को देखना होगा। इस चित्र में हम कोई दूर की वस्तु S मान लेते हैं और इससे दूर कोई दूसरी वस्तु E रखी हुई है, जिसके बीच की दूरी लंबन विधि द्वारा ज्ञात करनी है। इसमें स्थित हमने दो बिंदुओं T1 और T2 को चुना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता रहती है, जिसे हमने चित्र में बेस माना है। इस बेस के लंबवत रेखा खींचने पर हमें दोनों बिंदुओं के बीच का कोण θ1 और θ2 पता लग जाते हैं। θ1 और θ2 पहले से ही ज्ञात हैं, और इन कोणों के योगफल से हमें थीटा, जो वस्तु के पास कोण है, उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि θ1 और θ2 का योगफल ही थीटा होगा। और इस तरह SE, जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, को आसानी से इस फार्मूला द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब हम प्रायोगिक बात पर आते हैं कि हम सूर्य से तारों के बीच की दूरी की गणना कैसे करते हैं। जैसा कि हमने चित्र में देखा, दोनों वस्तुओं के बीच दूरी या बेस जितना अधिक होगा, थीटा कोण उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी से हम तारों के बीच की दूरी नहीं माप सकते, क्योंकि यदि हम पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चले जाएं, तब भी बेस की लंबाई इतनी नहीं होगी कि तारे के पास वना कोण पता कर सके। वेसेल ने इस समस्या को हल करने के लिए पृथ्वी को एक यान मानकर प्रेक्षण किया, जो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो पृथ्वी की कक्षा के व्यास को वेस माना और सुदूर अंतरिक्ष में एक तारे की दूरी पता करने के लिए पहला प्रेक्षण करने के बाद दूसरा प्रेक्षण 6 महीने बाद किया, जब पृथ्वी सूर्य के विपरीत दिशा में पहुँच गयी। इस प्रकार तारे की तुलनात्मक स्थितियों का अवलोकन किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पहली बार उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वेसेल ने जो तारा चुना था वह इतनी दूरी पर था कि पृथ्वी की कक्षा का व्यास भी ना के बराबर था।
बाद में बेसेल ने फिर से प्रयोग किया। इस बार उन्होंने एक ऐसे तारे को चुना जो काफी चमकीला और बाकी तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी नजदीक प्रतीत हो रहा था, और इस प्रकार पहली बार सूर्य के बाद किसी तारे की पृथ्वी से दूरी की गणना करने में सफल हुए। इस तारे का नाम 61 सिग्नी या 61 सिगरी है, जो कि सिग्रस तारा मंडल में स्थित है। बेसेल द्वारा मापी गई सिगरी तारे की पृथ्वी से दूरी 10.4 प्रकाश वर्ष थी, जो वास्तविक दूरी 11.4 प्रकाश वर्ष के काफी करीब है। अगर बात करें सिग्नी तारे की, तो यह तारा द्विआधारी या वाइनरी स्टार्स है, जो कि 659 वर्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। यह तारे के प्रकार के बौने सितारों की एक जोड़ी है और सूर्य से 30% छोटा और कम चमकदार है, जिन्हें रात के समय ग्रामीण इलाकों में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। थोड़े समय बाद फ्रेडरिक जॉर्ज विलहेल्म स्ट्रूवे और थॉमस हेंडरसन ने अल्फा सेंटोरी और बीगा तारों की दूरी का मापन किया। अल्फा सेंटोरी तारा हमारी धरती से सबसे नजदीक स्थित है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 4.246 प्रकाश वर्ष है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रकाश 300,000 किलोमीटर दूरी एक सेकंड में तय करता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश को हमारी धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है, और अल्फा सेंटोरी तारा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.246 वर्ष का समय लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस तारे को आज हम देख रहे हैं, वह 4.246 वर्ष पुराना तारे द्वारा छोड़ा गया प्रकाश है, या फिर यदि यह तारा अचानक फटकर गायब हो जाए तो हमें 4.246 वर्ष बाद इसका समाचार मिलेगा। बेटलजूस हमारी धरती से 300 प्रकाश वर्ष दूर बेटलजूस नाम का तारा मौजूद है। यह तारा सूर्य से 700 गुना बड़ा और 3600 गुना अधिक चमकीला है। रात के समय आसमान में नग्न आंखों से देखा जाने वाला 10वां सबसे चमकीला तारा है। बेटलजूस तारा एक लाल सुपरजायंट तारा है, जो कि ओरियन तारा मंडल में रिगेल के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेटलजूस तारा 10 मिलियन वर्ष से भी कम पुराना है। यह अपने बड़े द्रव्यमान के कारण तेजी से विकसित हुआ। अनुमान है कि यह तारा 1,00,000 वर्ष बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट के साथ इसका विकास समाप्त हो जाएगा, और जब इसमें विस्फोट होगा तब यह 3 महीने तक चंद्रमा की तरह चमकता हुआ पृथ्वी से दिखेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग कर अध्ययन से पता चला है कि बेटलजूस तारा अक्टूबर 2019 से शुरू होकर इसकी चमक काफी कम हो गई। फरवरी 2020 आते आते इसकी चमक लगभग 3 गुना कम हो गई थी। फिर अप्रैल 2023 में यह तारा फिर से अपनी पुरानी चमक में आ गया। अध्ययन से पता चला है कि तारे ने अत्यधिक मात्रा में अपनी सतह से द्रव्यमान धूल के रूप में निष्कासित किया। यह धूल के बादल तारे के चारों ओर लाखों किलोमीटर में फैल गए, जिससे इस तारे की चमक कम हो गई। बाद में धूल ठंडी होकर संगठित हो गई और तारा अपनी पुरानी चमक में आ गया। बेटलजूस तारा हमारे सूर्य से इतना बड़ा है कि यदि इस तारे को सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह पर रख दिया जाए तो इसकी सतह बृहस्पति ग्रह को भी छू लेगी। रिगेल स्टार धरती से लगभग 860 प्रकाश वर्ष दूर रिगेल तारा सूर्य की तुलना में 61,500 से 3,63,000 गुना तक चमकीला है और लगभग 24 गुना बड़ा है। रिगेल तारा ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला और रात के समय धरती से आसमान में दिखाई देने वाला 7वां सबसे चमकीला तारा है। इसकी सतह का तापमान लगभग 12,100 केल्विन है। रिगेल तारा की अनुमानित आयु 7 से 9 मिलियन वर्ष है और सूर्य से 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। यह तारा अपना हाइड्रोजन ईंधन समाप्त कर चुका है, जिस कारण अत्यधिक चमक के साथ फैल रहा है। साथ ही एक सुपर ज्वाइंट बनने की ओर अग्रसर है। यह उम्मीद की जा रही है कि इसका जीवन टाइप 2 सुपरनोवा के रूप में समाप्त हो जाएगा और आखिर में अवशेष के रूप में एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बचेगा। ध्रुव तारा पोलर स्टार। वैसे ध्रुव तारे के बारे में कई देशों की पौराणिक कथाओं में अलग अलग तरह से वर्णित किया गया है,
ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत तारा मंडल या कई तारों का समूह है, जिसका मुख्य तारा ध्रुव ए है, जो कि F7 श्रेणी का एक पीला सुपर जॉइंट तारा है। ध्रुव ए तारा सूर्य से लगभग 2200 गुना अधिक चमकीला और 30 गुना विशाल है। इसकी सतह का अनुमानित तापमान 7200 केल्विन है। सीरियस तारा। सीरियस तारा मंडल में उपस्थित सीरियस तारा रात के समय धरती से आकाश में देखा जाने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा है। नग्न आंखों से यह एक तारा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह दो तारों का समूह है। पृथ्वी से इस तारे की दूरी लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष है। सीरियस तारा सूर्य से लगभग 25 गुना अधिक चमकीला और लगभग 2 गुना भारी है। पृथ्वी के काफी करीब और सूर्य से बड़ा होने के कारण यह तारा सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है और लगभग अगले 210,000 वर्ष तक आसमान में सबसे चमकीला तारा बना रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सीरियस तारा हमारे सौर मंडल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस कारण आने वाले 60,000 सालों में इसकी चमक में और वृद्धि होगी। सूर्य या सन। हमारा सूर्य, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य का भार लगभग 2×10^13 किलोग्राम है। यह भार पृथ्वी के भार की तुलना में 330,000 गुना अधिक है। सूर्य हमारी धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसका व्यास 13,91,400 किलोमीटर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर 26,660 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 225 मिलियन वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा के चारों ओर इसकी गति लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य आज हमारी आकाशगंगा के जिस जगह पर है, इससे पहले जब सूर्य इस जगह पर आया था, तब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स हमारी धरती से कैसे विलुप्त हुए, इससे संबंधित एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल में उपलब्ध है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सूर्य हमारे सौर मंडल के कुल भार का 99.86% है। सूर्य के द्रव्यमान का 73% हिस्सा हाइड्रोजन और 25% हिस्सा हीलियम और बाकी ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन से बना है। सूर्य का वास्तविक रंग सफेद है और हर सेकंड सूर्य लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हीलियम में परिवर्तित करता है, जिसमें 4 मिलियन टन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा सूर्य की कोर से सूर्य की सतह तक आने में लगभग 1,00,000 वर्ष का समय लेती है। सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15.7 मिलियन केल्विन और सतह का तापमान लगभग 5,800 केल्विन है। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य की ऊर्जा 5 अरब साल बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद यह एक लाल सुपर ज्वाइंट तारे में बदल जाएगा, फिर अरबों साल बाद सफेद बौने तारे में, और फिर कोयले की तरह एक काले विशालकाय पिंड में बदल जाएगा। वैसे इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे मौजूद हैं, जिनके बारे में जानना तो दूर, इन्हें गिनने में ही करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। अंधेरी रात के समय हम नग्न आंखों से केवल 2000 या इसके आसपास तारे गिन सकते हैं। यदि किसी दूरबीन का उपयोग करें तो 50,000 तारे एवं 2.5 इंच व्यास वाले दूरदर्शक से लगभग 10,00,000 तारे गिन सकते हैं। कैलिफोर्निया की माउंट विल्सन प्रेक्षणशाला के 100 इंच व्यास वाले दूरदर्शक से लगभग 5 करोड़ तारे गिने जा सकते हैं। सिर्फ हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। यह आकाशगंगा लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली है, जिसकी आकृति सर्पिलाकार है और इसकी मोटाई लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष है। रात के समय जब हम आकाश में सफेद पट्टी देखते हैं, वह हमारी आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा भाग है। अंतरिक्ष में फैले गैस के बादलों की यह पट्टी वास्तव में पट्टी नहीं है,
बल्कि यह बहुत सारे तारों का समूह है जो हमारी धरती से इतनी अधिक दूरी पर स्थित हैं और इनकी चमक इतनी कम है जिस कारण हमारी आंखें इन्हें अलग अलग नहीं पहचान पाती हैं। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या ज्ञात ब्रह्मांड में केवल हमारी एक ही आकाशगंगा नहीं बल्कि इसकी तरह अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी है जिसे रात के समय आसमान में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सभी ज्ञात गैलेक्सीज में IC 1101 गैलेक्सी सबसे बड़ी ज्ञात गैलेक्सी है जो हमारी आकाशगंगा से 50 गुना अधिक बड़ी और लगभग इसमें 100 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। पृथ्वी से IC 1101 गैलेक्सी लगभग 1.045 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।